हेलो एवरीबॉडी, हियर इज योर एवीएस सब्जेक्ट टीचर धर्मेंद्र सर। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू बिगिन चैप्टर नंबर 17। प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, आई हैव ऑलरेडी सेंड 3 वीडियोज यू। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वॉच प्रीवियस वीडियो एंड होपफुली आई विल जस्ट टेक द टेस्ट ऑल्सो। सो हियर आई विल जस्ट बिगिन चैप्टर नंबर 17। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर्स टाइटल नेम इज अक्रॉस द वॉल। द टाइटल नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अक्रॉस द वॉल। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस टाइटल नेम? यू वुड लाइक टू नो अबाउट दिस? देन हियर द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस, दीवार के उस पार। द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस टाइटल नेम इज दीवार के उस पार। Across the wall, दीवार के उस पार। Dear students, what is the meaning of this title name? You know about this, दीवार के उस पार। Then in this chapter, especially, there is not a particular wall and a person want to across or cross. How to across the wall of society? What is the foundation of society? What is the foundation? And how we can cross that foundation? Because some social reformer, you know about this intangibility. Previous chapter, you know about this intangibility is the major problem was previous time. एक दूसरे को छूने का जो अछूत लोग मान रहे थे, और एक वर्क स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए बनाया जाता था, यही पर्सन्स इसी कम्युनिटी को लोग जो है इस वर्क को कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए द सोशल रिफॉर्मर्स केम बिटवीन द सोसाइटी एंड जस्ट शो अप दैट दिस इज़ द वेरी वेरी दिस थिंग्स इज वेरी बैड एंड यू वी शुड जस्ट अपग्रेड आवर सेल्फ। सो देयर इज़ नो एनी वे हाउ आई कैन क्रॉस द वॉल इन दैट एंशियंट टाइम, प्रीवियस टाइम, देन सोशल रिफॉर्मर केम। एंड ऑल्सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट दिस, हाउ द गर्ल्स क्रॉस द बाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी एंड जस्ट प्ले हिज ओन गेम आर पैशनेट गेम। इस चैप्टर्स में ये बताया गया है कि बच्चियां जो हैं, लड़कियां किस तरह से फैमिली बाउंडेशंस, सोशल बाउंडेशन को एक क्रॉस करके, पार करके अपने सपनों को साकार किया। और वो क्या था बाउंडेशन? कि दे कांट प्ले एट ऑल इन द आउटडोर गेम। सो इन दिस चैप्टर मैनी गर्ल्स स्टोरीज, बहुत सारी लड़कियों की स्टोरी है जिन्होंने अपने इस बाउंडेशन को क्रॉस किया। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस किया, अपने सोसाइटी को कन्विंस किया, और अपने वो जो उनके ड्रीम थे, जो उनके पैशन थे, प्लेइंग करने के पैशन थे, खेलने का पैशन था, पढ़ने का पैशन था, जो भी पैशनेट, जिन क्षेत्र में वो पैशनेट थे, दे जस्ट अक्रॉस द वॉल। उन्होंने दीवार को, वो जो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी कि लड़कियां जो है अंदर रह सकती हैं, बाहर का प्लेइंग आउटडोर गेम खेल नहीं सकती हैं, इस तरह के फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी जो है उनके ऊपर एक बाउंडेशन लगाया हुआ था। देन ही सी अक्रॉस द वॉल एंड प्ले द गेम एंड गेम। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस दैट ब्रेवो गर्ल्स who across the wall of society. And before this I want to discuss about some difficult words. So here let's see
about difficult word students, here this first I would like to discuss what is the means of association. Association is the one of the federation. Here federation in Hindi meaning sangh. Also you can write down institution, association and institution also you can write down. Other words is institution, संस्था, इसको संस्था के नाम से जाना जाता है, institution that means संस्था. और ये association, another word is federation, संघ. That means where is the many persons associated that particular task. किसी एक कार्य के लिए बहुत सारे लोग जो है सम्मिलित होकर के जब उस कार्य को करते हैं और उनका एक संस्था बनता है, एक संघ बनता है, वो आपस में जुड़ करके उस कार्य को करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संघ, एसोसिएशन. इज इट क्लियर? सो लेट्स सी अनदर. व्हाट इज द मीन ऑफ गट्स? दिस इज द मीनिंग ऑफ गट्स इज करेज, साहस. Introduce, what is the mean of introduce? Bring forward. प्रस्तुत करना, अपने आप को प्रस्तुत करना. Bring forward towards next to. ओके, हियर इज चीयर्ड, ग्लैडनेस. खुशी, चीयर्ड, ग्लैडनेस. इंसिस्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिस्टेड? एम्फेसाइज. एम्फेसाइज, जोर देना या बल देना किसी भी चीज़ के लिए. कोई काम आप किसी को कहते हैं लेकिन वो जोर दे करके, वो बल दे करके कहना, इम्फेसाइज करना होता है. इज इट क्लियर? किसी चीज़ को इम्फेसाइज करना, दैट मीन्स आप उसको बहुत अधिक महत्व दे करके उस बात को कर रहे हैं. इम्फेसाइज करना, बल दे करके या जोर दे करके बात करना. इंसिस्टेड, इम्फेसाइज. डोज, व्हाट इज द मीन ऑफ डोज? दैट मीन्स चीट, धोखा. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लोरी? डिग्निटी, राइट डाउन डिग्निटी. प्रेस्टीज, हिंदी मीनिंग प्रतिष्ठा. ओके स्टूडेंट्स, प्रतिष्ठा या सम्मान. इमिटेट, दैट मीन्स मिमिक. और यू कैन राइट डाउन कॉपी, नकल करना जिसको कहते हैं, मिमिक या कॉपी. डिओशन, व्हाट इज द मीन ऑफ डिओशन? लॉयल्टी. निष्ठा, इज इट क्लियर? निष्ठा, डिओशन, व्हाट इज द मीन ऑफ डिओशन? लॉयल्टी, निष्ठा. और यू कैन राइट डाउन हियर अफेक्शन, अनदर वर्ड अफेक्शन. ओके, प्रेम, निष्ठा या प्रेम.
सो लेट्स रिवाइज दैट मीन्स फेडरेशन या संघ इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन संस्था इसी तरह से व्हाट इज द मीन ऑफ एसोसिएशन यू कैन राइट डाउन इंस्टीट्यूशन संस्था किसी एक कार्य के लिए कई लोग मिलकर के उस कार्य को पूरा कर रहे हो एक संस्था के रूप में वो कार्य करती है ओके देन हियर एसोसिएशन यू कैन राइट डाउन फेडरेशन इंस्टीट्यूशन संघ या संस्था इज इट क्लियर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फेडरेशन एसोसिएशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ गट्स करेज साहस करेज ओके स्टूडेंट्स ये हम यहाँ से बाइफर्केट कर देते हैं ओके गट्स करेज एंड इंट्रोड्यूस व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रोड्यूस ब्रिंग फॉरवर्ड ओके स्टूडेंट्स हिंदी मीनिंग इज प्रस्तुत करना इंट्रोड्यूस करना प्रस्तुत करना ओके टूवर्ड्स नेक्स्ट टू दूसरा व्हाट इज द मीन ऑफ टूवर्ड्स नेक्स्ट टू I hope this is the clear. What is the meaning of association, federation or institution? Institution Hindi meaning sanstha or federation Hindi meaning sangh. Guts, courage, sahas इसको हम कहते हैं Introduce, bring forward, प्रस्तुत करना अपने आप को प्रस्तुत करना bring forward. Next to, that means towards. Towards are next to. And Here is cheered. What is the mean of cheered? Gladness. Gladness, khushi. Cheered, gladness. Okay. What is the mean of insisted, emphasize? Emphasize that means जोर देना या बल देना किसी बात के लिए जोर देना या बल देना इसी कहते हैं emphasize करना Okay, doze, what is the mean of doze? That means cheat, धोखा Okay, students, what is the mean of glory? Dignity, prestige या glory इसको कहते हैं Dignity को What is the mean of dignity? Prestige, प्रतिष्ठा और prestige, dignity and another word prestige, प्रतिष्ठा And imitate. What is the mean of imitate? Mimic. And lastly, devotion, loyalty, nishtha.
निष्ठा और यू कैन राइट डाउन अफेक्शन या प्रेम, इसे हम क्या कहते हैं अफेक्शन प्रेम। किसी कार्य के प्रति निष्ठा हो सकती है, किसी संस्था के प्रति निष्ठा हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा हो सकती है, अफेक्शन हो सकता है, प्रेम हो सकता है, निष्ठा हो सकती है, लॉयल्टी हो, उसी को हम कहते हैं डिवोशन, लॉयल्टी, अफेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज 10 डिफिकल्ट वर्ड्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कम ऑन व्हाट्सएप और यू कैन फोनिक कन्वर्सेशन, डू फोनिक कन्वर्सेशन। डिफिकल्ट वर्ड हियर यू जस्ट राइट डाउन इन योर फेयर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, फेडरेशन, गट्स, करेज, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस, ब्रिंग फॉरवर्ड, टूवर्ड्स, नेक्स्ट टू, चीयर्ड, ग्लैडनेस, इंसिस्टेड, एम्फेसाइज, डो, चीट, ग्लोरी, डिग्निटी, इमीडिएट, मिमिक एंड डिवोशन। ओके, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड ऑल दीज 10 डिफिकल्ट वर्ड्स स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी another aspect of this chapter. Here students, I would like to just talk about benefits of playing games, because of this chapter totally based upon the playing games. Some girls across the wall of society, across the foundation of society, then she just play the games. Firstly, I would like to discuss here what is the benefits of playing games. Firstly, it give them an opportunity to learn new things. Okay, second one is student, it can help their physical development. Okay, first is it give them an opportunity. Playing games से क्या हमें opportunity मिलती है? To learn new things, नई चीजें सीखने की opportunity मिलती है, अवसर मिलता है. And second one is it can help their physical development. और ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को में भी सहायक हो सकता है. इट कैन हेल्प देयर फिजिकल डेवलपमेंट. एंड थर्ड इज लेट सी इट कैन बूस्ट देयर क्रिएटिविटी. ओके, it can boost their creativity. What is the mean of this? यह हमारे creativity, ठीक है, रचनात्मकता. What is the mean of this? It can boost their creativity. हमारी रचनात्मक सोच में वृद्धि करता है. It can boost their creativity. That means यह जो है हमारी रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मक सोच में वृद्धि करता है. इट कैन बूस्ट देयर क्रिएटिविटी. स्टूडेंट्स, इट कैन हेल्प देम डेवलप
positive, it can help them develop a positive attitude. Okay, it can help them develop a positive attitudes, सकारात्मक दृष्टिकोण या रवैया जिसको कहते हैं attitude. It can help them develop a positive attitude, सकारात्मक सोच. Okay students, here fifth is, it can help in personality development. Then we can just know about this benefits of playing games. It give them an opportunity to learn new things. ये हमें नई चीज़ सीखने का अवसर देता है. It can help their physical development. ये हमारे physical development का विकास करता है. It can boost their creativity. ये हमारी सकारात्मक और यू कैन से क्रिएटिव सोच, रचनात्मक सोच में वृद्धि करता है. It can help them develop a positive attitude. ये हमें positive attitude बना के रखने का एक develop करता है. Playing games के द्वारा हमारी पॉजिटिविटी बाहर रहती है, पॉजिटिविटी की सोच हम रखते हैं. इट कैन हेल्प देन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सहायक होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स एंड जस्ट वॉच फुल वीडियो अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स. So I hope you must be understood students. So just watch my full video and thank you so much for watching my previous video and giving such a nice comments. So thank you so much. Have a great day students.